Your first chapter is Plant Kingdom, मतलब प्लांट्स का राज्य है या प्लांट्स की दुनिया है. प्लांट्स ग्रो ऑल अराउंड अस. लाइक अस प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, बट प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सम प्लांट्स आर बिग एंड टॉल, सम आर स्मॉल एंड शॉर्ट. सम प्लांट्स ग्रो ऑन द ग्राउंड, सम ग्रो इन वाटर. आप अपने चारों तरफ देखते हैं कि सभी तरफ, आप अपने घर के आसपास या जंगल में देखते हैं या अपने स्कूल में देखते हैं कि प्लांट्स लगे हुए होते हैं. हमारी ही तरह प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स होते हैं. लिविंग थिंग्स मतलब जो जिंदा होते हैं, जो सजीव होते हैं. बट लेकिन प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह वो हमारे जैसे चल नहीं सकते हैं. लेकिन प्लांट्स हमारी तरह रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं. सम प्लांट्स आर बिग एंड स्मॉल, कुछ प्लांट्स तो बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं. आपने देखे होंगे आपके घर के आसपास या आपके घर में आप गमले में अपने प्लांट्स लगाते हैं, छोटे प्लांट्स, और फिर कुछ ज़मीन में लगे होते हैं, अर्थ में बड़े प्लांट्स होते हैं. प्लांट्स आपके कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल में या ग्राउंड पर ग्रो करते हैं. और कुछ प्लांट्स वाटर में भी पाए जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सिंघाड़ा, या फिर आपने वाटर लिली देखी होगी जो तालाब में लगी होती है. प्लांट्स कई तरीके के होते हैं, जैसे ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन ट्रीज. ट्रीज आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स. दे हैव अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक. ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स. सम ऑफ देम लाइक नीम ट्री एंड बैनियन ट्री लिव फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स. ट्री क्या होते हैं? ट्री ट्रीज होते हैं जो बहुत बड़े बड़े और बहुत ही मजबूत प्लांट होते हैं. ट्री का जो स्टेम होता है, जो ब्राउन कलर का स्टेम होता है एक प्लांट में, वो ट्री में कैसा होता है? बहुत ही हार्ड होता है. अगर आप उसको टच करके देखेंगे तो वो आपको बहुत हार्ड लगेगा और वो आसानी से टूटता नहीं है. आपने देखा होगा जब कोई लोग, जब कुछ लोग प्लांट काटने जाते हैं, ट्रीज काटने जाते हैं, तो वो कुल्हाड़ी लेकर जाते हैं और बहुत मुश्किल से ही ट्री को काट पाते हैं, बहुत टाइम लगता है काटने में. तो ट्री क्या होता है? बहुत ही हार्ड और स्ट्रांग स्टेम होता है ट्री में, और इसी स्टेम को ट्री के ट्रंक कहा जाता है. ट्रंक मतलब तना. ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स. ट्रीज बहुत सालों तक जिंदा रह सकते हैं, बहुत सालों तक. आपने देखा होगा आपके यहाँ ट्री लगे रहते हैं, आम का पेड़, नीम का पेड़, बैनियन, बरगद का पेड़, या और भी बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम तक लगे रहते हैं. आपने देखा होगा वो बचपन से आप उन्हें देखते आ रहे होंगे, छोटेपन से, और अभी आप कई सालों तक उनको ऐसे ही देखेंगे. तो ऐसे ही कुछ ट्रीज के एग्जाम्पल हैं नीम, बैनियन एंड मैंगो ट्री हो सकता है आपका, जो आपके कई हज़ार सालों तक, कई सौ सालों तक ग्रो कर सकते हैं. ऐसे ही नेक्स्ट है आपका प्लांट में, नेक्स्ट कैटेगरी आती है श्रब्स. श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स. दे हैव अ हार्ड एंड थिन स्टेम विद मैनी ब्रांचेस. मोस्ट ऑफ देम लिव फॉर फ्यू ईयर्स. श्रब्स, अब ट्रीज होते हैं बहुत बड़े बड़े, बहुत ही मजबूत, लेकिन श्रब्स ट्रीज से थोड़े से कमज़ोर होते हैं, थोड़े से छोटे होते हैं साइज में. इनका भी स्टेम हार्ड होता है, लेकिन ट्री के जितना हार्ड नहीं होता, उससे थोड़ा सॉफ्ट होता है. और इनका स्टेम बहुत मोटा भी नहीं होता है. कैसा होता है? थिन स्टेम होता है. आपने देखा होगा आपके यहाँ जैसे गुलाब है, रोज़ है, रोज़ लगा हुआ है, या फिर आपने कोई मेहंदी का पेड़ है, हिना प्लांट है, या फिर आपने देखे होंगे आपके यहाँ बहुत सारे जो आप इंडोर प्लांट्स लगाते हैं, तो उसमें वो आपके सब क्या है? श्रब्स हैं. आप उनके स्टेम को अगर छू के देखेंगे तो वो आप अपने हाथ से उनको मोड़ सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन वो टाइट होते हैं, आपको मोड़ना नहीं है, लेकिन आप सिर्फ उसको टच करके देख सकते हैं कि वो थोड़ा हार्ड होता है. ओके तो श्रब्स है जैसे हमारा रोज प्लांट है, कॉटन प्लांट है और हीना प्लांट है. नेक्स्ट कैटेगरी है बेटा आपकी हर्ब्स. हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स. दे आर स्मॉलर देन श्रब्स. देयर स्टेम्स आर थिन एंड सॉफ्ट. मोस्ट हर्ब्स लिव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स. आपने पढ़ा अभी ट्री बहुत बड़े होते हैं, मोटा तना होता है. श्रब्स ट्री से थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन उनका तना टाइट तो होता है लेकिन थिन होता है. अब हर्ब्स आते हैं. हर्ब्स क्या होते हैं?
जो बहुत ही छोटे होते हैं साइज़ में और उनका स्टेम बहुत सॉफ्ट होता है। उसको आप आसानी से अपने हाथ से टच करके उसको आप उसको प्रेस कर सकते हैं या उसको तोड़ सकते हैं आसानी से। इनमें क्या होता है, कौन कौन से आपके प्लांट्स आते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपके यहाँ तुलसी का पेड़ लगा हुआ होता है, मैरीगोल्ड, गेंदा, या फिर आपके जो छोटे छोटे फ्लावर्स के प्लांट हैं वो सब आपके हर्ब्स में आते हैं, जैसे पुदीना, धनिया, कोरिएंडर, मिंट, टमाटो, चिली, इन सब का जो प्लांट होते हैं वो सब हर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स, इसके नाम में कुछ आपको लग रहा है क्या है ये क्लाइंबर्स, मतलब जो क्लाइंब करते हैं, जो चढ़ते हैं, जो चढ़ाई करते हैं किसी दूसरे पर। सम प्लांट्स हैव अ वेरी वीक स्टेम, दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर ओन, दे नीड सम सपोर्ट लाइक वॉल, स्टिक और अदर प्लांट्स टू क्लाइंब अप, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। कुछ प्लांट्स जिनका तना बहुत ज़्यादा वीक होता है और इतना वीक होता है कि वो खुद से सीधे खड़े नहीं रह सकते, मतलब खुद से वो सीधे ग्रो नहीं कर सकते हैं, जैसे आपका मैरीगोल्ड है या आपका तुलसी है, आपने देखा है सीधे ऊपर ऐसे ग्रो करते रहते हैं अपने आप, आप अगर गमले में लगा दे तो। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं अगर आप उन्हें गमले में या फिर सॉइल में लगाएं तो वो सीधे नहीं खड़े रह सकते हैं, उन्हें हमें कोई सपोर्ट देनी पड़ती है, जैसे उनके पास हम कोई स्टिक लगा दें या फिर हम कोई अपनी वॉल में हम कोई कील लगा के उनको बांधें एक रस्सी से, तो वो उसके ऊपर चढ़ने लग जाते हैं और ग्रो करते हैं। तो इन प्लांट्स को क्लाइंबर्स कहते हैं, जिनको ग्रो करने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो सपोर्ट कोई भी हो सकती है, जैसे आपकी कोई दीवार की सपोर्ट हो सकती है, या आप कोई स्टिक लगा सकते हैं, या कोई दूसरा प्लांट, उसके ऊपर वो चढ़ने लग जाते हैं। सम क्लाइंबर्स लाइक पी एंड बीन्स लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स, अदर्स लाइक मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स। जैसे कि आपका पी प्लांट है, ग्रेप वाइन अंगूर की बेल है, मनी प्लांट है, इनको आप क्या करते हैं, या तो कोई रस्सी बांधते हैं इनके तने में और फिर उस रस्सी को अपनी वॉल में किसी कील से बांध देते हैं, तो ये क्या करते हैं उसके ऊपर चढ़कर ग्रो करने लग जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। ऐसे ही जो अंगूर की बेल होती है उसको भी हमें कोई सपोर्ट देनी पड़ती है, तभी वो आगे ग्रो कर पाती है और उसमें हमारे ग्रेप्स आते हैं, फ्रूट्स आता है। तो ये हैं क्लाइंबर्स, जो किसी के ऊपर चढ़ के ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है क्रीपर्स। क्रीपर्स हैव अ वीक स्टेम, दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड एज दे हैव नो सपोर्ट। क्रीपर्स भी बेटा क्लाइंबर्स के जैसे ही वीक होते हैं, इनका स्टेम भी बहुत वीक होता है। बेटा जब इनका स्टेम वीक होगा तो ये सीधे नहीं खड़े रह पाएंगे, दे कांट स्टैंड स्ट्रेट, ओके। तो इसलिए ये क्या होते हैं क्रीपर्स, धीरे धीरे ऐसे ही ग्राउंड में पड़े पड़े ग्रो कर जाते हैं, ग्राउंड में ही लेटे लेटे बढ़ जाते हैं। क्रीपर्स का मतलब होता है, क्रीप का मतलब होता है रेंगना, यानी कि रेंग रेंग के बढ़ते हैं ये। इनकी जो बेल होती है, जो इनका प्लांट होता है, वो धीरे धीरे ज़मीन में ऐसे ही ग्रो करता है नीचे पड़े पड़े। आप अगर कभी आपने देखा हो जो वाटरमेलन होता है, या बॉटल गार्ड है, लौकी की बेल है, पंपकिन कद्दू होता है, वो कैसे लगता है, या तो वो छत पे फैल जाता है आपकी पूरी, अगर आप उसको छत पे सपोर्ट देके ऊपर चढ़ा दें तो वो छत पे फैल जाएगा, या फिर नीचे ही ज़मीन में वो फैलते फैलते उस पर फ्रूट्स आने लग जाते हैं, ठीक है। ये है आपके क्रीपर्स। तो आपने कितने तरह के प्लांट्स पढ़े हैं, ट्री जो बहुत बड़े होते हैं और बहुत उनका स्टेम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, नेक्स्ट है श्रब्स, ट्री से छोटे होते हैं साइज में और उनका स्टेम स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन बहुत थिक नहीं होता है। थर्ड है हर्ब्स, जो बहुत ही साइज में छोटे होते हैं और उनका स्टेम वीक होता है। नेक्स्ट क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स जो किसी दूसरे की सपोर्ट लेकर ग्रो करते हैं और इनका स्टेम बहुत वीक होता है। फिफ्थ नेक्स्ट है क्रीपर्स, क्रीपर्स जो इनका स्टेम भी बहुत वीक होता है और ये ज़मीन में ग्राउंड पर पड़े पड़े ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब एक प्लांट तो आपने पढ़ लिया, प्लांट कितने तरीके के होते हैं, लेकिन इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। आपने प्लांट देखा होगा अपने घर में, आपके घर में प्लांट हो जैसे कोई, आप उसको देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखते हैं तो प्लांट जो नीचे जो सॉइल की तरफ उसका हिस्सा होता है, जो पार्ट होता है प्लांट का, वहाँ आपको ब्राउन ब्राउन कलर का दिखता है कुछ,
जो क्या होती हैं, इसकी रूट्स होती हैं जो सॉइल के अंदर डक की जाती हैं, जिनको सॉइल के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, ये सॉइल में जो लगाई जाती हैं ये रूट्स होती हैं, और ये रूट्स क्या काम करती हैं, सॉइल में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वाटर है, जो भी मॉइस्चर है, वो प्लांट्स को ऊपर तक, उसके सारे पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। नेक्स्ट है बेटा इसका स्टेम। सॉइल से जब आप रूट से जब आप ऊपर चलेंगे तो आपको इसका तना दिखता है, जो बहुत पतला स्टिक जैसा होता है, वो क्या होता है, इसका स्टेम होता है। उस तने में से बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं, उन ब्रांचेस में से बहुत सारी लीव्स और फ्लावर्स निकले होते हैं। तो स्टेम में से निकली हैं ब्रांचेस, और ब्रांचेस पे हैं आपकी लीव्स, और लीव्स के आगे फिर बर्ड्स आता है जिनको कलियाँ कहते हैं, और वो उन्हीं कलियों का हमारा फ्लावर बनता है। उस फ्लावर्स के बाद आपके उस पर फ्रूट्स आते हैं। तो कितने पार्ट्स हो गए, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फूट और बड। बड मतलब जो कलियां होती हैं जिससे फ्लावर बनता है। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है, टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट है इसका क्वेश्चन, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड। फर्स्ट पार्ट, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ट्रीज। टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स क्या कहलाते हैं, सब आप सभी ने अभी ऑलरेडी आपने रीड किया है, ट्रीज कहलाते हैं, तो आप इसमें ट्रीज को टिक करेंगे। नेक्स्ट, रोज प्लांट इज अ ट्री, क्लाइंबर, श्रब। रोज कैसा होता है, रोज होता है श्रब। नेक्स्ट, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फाइंड द नेम ऑफ प्लांट्स। आपको इन लेटर्स को अनस्क्रैम्बल करना है, मतलब जिस वे में ये लगे हुए हैं, जिस सीरीज में, उसको आपको सही तरीके से लगाना है। नेक्स्ट आपको AGMNO, इसमें आपको स्पेलिंग देखनी है। अब आपको इन लेटर्स को सही सिक्वेंस में लगाना है, तो ये हो जाएगा हमारा मैंगो, MANGO, मैंगो। नेक्स्ट है TMTOAO, ये है आपका टोमेटो। नेक्स्ट CTOOTN, इसको सही से लगाएंगे तो कॉटन हो जाएगा। नेक्स्ट TMIN, ये हो जाएगा मिंट, मतलब पुदीना। सी है क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको ये साइड में वर्ड्स दिए हुए हैं येलो पोर्शन में, इसको आपको जो ब्लैंक्स हैं उसमें आपको फिल करना है। शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड। अभी यहाँ पर टॉल नहीं लिखा है, शॉर्ट लिखा है, यानी कि जो छोटे होते हैं लेकिन प्लांट्स स्ट्रांग होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, श्रब्स। सेकेंड पार्ट है डैश, ग्रो अलोंग द ग्राउंड। जो ग्राउंड पर पड़े रहकर ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रीपर्स, जैसे वाटरमेलन आपको भी बताया था। Please like and subscribe my channel and press the bell icon to get more informative videos of science further in your notification. Okay? Please don't forget to like this video. Thank you.